काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब ब्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है और सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा शरीर तो एक ना एक दिन मिट जाना है, ऐसे में हमारे कर्मों का फल कौन भोगेगा? क्योंकि भोगने के लिए शरीर का होना भी तो जरूरी है, लेकिन जब ये शरीर ही नहीं बचेगा तो फिर कर्मों की सजा किसे और कैसे मिलेगी? तो अगर आप भी इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको एक ऐसा तथ्य बताता हूँ जो आप शायद ना जानते हो। तो मित्रों, बता दूं कि हम सभी के पास एक नहीं बल्कि तीन तीन शरीर होते हैं। दरअसल आत्मा एक नहीं बल्कि तीन शरीरों से ढकी हुई रहती है। पहला आवरण ये बाहरी शरीर है जिसे हम भौतिक या फिर स्थूल शरीर कहते हैं। मित्रों, दूसरा आवरण होता है सूक्ष्म शरीर और सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर होता है। अब इन तीनों शरीरों का तात्पर्य है क्या, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है स्थूल शरीर। मित्रों, स्थूल शरीर अर्थात भौतिक शरीर एक तरह का नश्वर शरीर है जो एक जीव जन्म के समय धारण करता है। ये पांच तत्वों का बना हुआ है। इसे आप आत्मा का अस्थाई निवास भी कह सकते हैं जो मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर को घर के समान बताया गया है जिसके जरिए आत्मा बाहरी संसार से संपर्क बनाकर रखती है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। इस प्रकार के शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। इस शरीर को आम भाषा में मानस शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर के विपरीत इसे न तो देखा जा सकता है और न ही छूकर महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म तत्वों से बना होता है और इस भौतिक शरीर से अधिक कार्यशील होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें स्वप्न अवस्था में होता है। और मित्रों, मृत्यु होने पर यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता बल्कि ये आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में भी जाता है। तीसरा है कारण शरीर। मित्रों, तीनों शरीरों में से सबसे अंदर वाले शरीर को कारण शरीर कहते हैं और यही आत्मा को ढककर रखता है। ये अवर्णनीय और अनादि है और स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों ही शरीरों का मूल कारण ही है जिसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान ही नहीं होता। कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर हमारी मृत्यु के बाद जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं। तो मित्रों, जैसा कि हमने जाना कि स्थूल शरीर हमारी मृत्यु के बाद जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी मरता नहीं और यही हमारा वो शरीर है जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों को भोगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वप्न के शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है और वो यही शरीर होता है जो मृत्यु के बाद यमलोक की तरफ जाता है जहाँ हमारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। इसके बाद हमारे कर्मों के अनुसार हमें नर्क में कई तरह की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। कौन से कर्म करने पर क्या क्या सजा मिलती है ये मैं आपको दूसरी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, नहीं तो हमें नर्क की आग में जलना पड़ता है। इसके अलावा मित्रों, जिन मनुष्यों ने पाप के साथ साथ कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें एक मौका और दिया जाता है अपनी गलतियों को सुधारने का और उन्हें एक बार फिर धरती पर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे लोग अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं और अंत में उन्हें एक बार फिर मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। तो मित्रों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमारे भौतिक शरीर को नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर को मिलता है। तो आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।